बिग बॉस 14 के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज रात सलमान खान बिग बॉस 14 के विनर के नाम की घोषणा करने वाले हैं। चंद घंटों बाद बिग बॉस 14 को उनका विनर मिल जाएगा। ऐसे में फैंस लगातार वोटिंग करने में जुटे हुए थे। हर कोई अपने चहेते कलाकार को विनर के तौर पर देखना चाहता है। सोशल मीडिया पर भी गहमा गहमी काफी तेज देखी जा रही है। अब तो बिग बॉस 14 के फाइनलिस्ट के परिवार भी वोटिंग अपील कर रहे हैं। बीते कई दिनों से रुबीना दिलाइक की मां शकुंतला दिलाइक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके फैंस से वोट करने की गुजारिश कर रही थी। इस समय सोशल मीडिया पर रुबीना दिलाइक की मां का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो में रुबीना दिलाइक की मां बाकायदा हाथ जोड़कर फैंस से वोटिंग में हिस्सा लेने की बात कर रही है। वीडियो में रुबीना दिलाइक की मां कहती दिख रही है कि बिग बॉस 14 का सफर अब खत्म होने को है। बिग बॉस 14 के घर में सभी फाइनलिस्ट ने बहुत अच्छा खेल खेला। मेरा मानना है कि जिस समय से रुबीना दिलाइक ने इस गेम के सफर को तय किया है वो वाकई शानदार है। मेरी बेटी कभी भी अपने घर से बाहर इतने दिन नहीं रही है। मेरी बेटी ने इतना समय अपने परिवार के बिना बिताया है। रुबीना दिलाइक की माँ आगे कह रही है कि मेरी बेटी शो जीतने की हकदार है। मैं अपनी बेटी को विनर बनाना चाहती हूँ। मुझे फैंस की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से अपील करती हूँ कि मेरी बेटी रुबीना दिलाइक को वोट करें। आपको बता दें, वोटिंग ट्रेंड्स में रुबीना दिलाइक का नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है। सृष्टि रोडे बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट होने के साथ साथ रुबीना दिलाइक की बेस्ट फ्रेंड भी है। तभी तो सृष्टि रोडे ने रुबीना दिलाइक को जिताने के लिए तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर सृष्टि रोडे से लेकर कई सेलिब्रिटीज ने रुबीना दिलाइक की तारीफें कर डाली हैं। रुबीना दिलाइक के फैंस लगातार उनको सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई टीवी सितारे भी रुबीना दिलाइक को बिग बॉस 14 का विनर घोषित कर चुके हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रुबीना दिलाइक वाकई बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने घर लेकर जाएंगी या फिर नहीं। आपको बता दें, वोटिंग लाइन्स का टाइम भी खत्म हो चुका है। रुबीना के फैंस ने आज दोपहर 12 बजे तक रुबीना के लिए वोटों की लाइन लगा दी थी और आखिर वोट रुबीना के नाम रहे। रुबीना के वोट सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने भी रुबीना के लिए वोट किया होगा और अगर नहीं किया तो अभी भी आपके पास मौका है। सोशल मीडिया के जरिए आप भी रुबीना को विनर बनवा सकते हैं। आप भी रुबीना के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें और उन्हें विनर बनाएं। इधर बिग बॉस 14 के विनर का कुछ ही घंटों में ऐलान होने वाला था। बिग बॉस के फैंस अपने विनर के नाम का ऐलान होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दूसरी तरफ बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट को लेकर बुरी खबर भी सामने आ गई। जी हां, बिग बॉस 14 के घर में पहली एंट्री करने वाले एजाज खान की हालत देखकर हर कोई घबरा गया। हैरानी वाली बात तो ये है कि 2 घंटे पहले तक एजाज खान बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक उनकी हालत इतनी खराब हुई कि वो ना कुछ बोल पा रहे ना कुछ सुन पा रहे। उनकी यात्रा खत्म हो गई। जी हाँ, 21 फरवरी यानी आज बिग बॉस का फिनाले देखकर एजाज खान बुरी तरह टूट गए। जब एजाज खान बिग बॉस के फिनाले मंच तक नहीं पहुंच पाए तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए। वो ना ही कुछ सुन रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। एक ही कमरे में बस चुपचाप बैठे हैं। एक तरह से फिनाले में जाना एजाज खान का सबसे बड़ा सपना था और ये सपना टूटने पर एजाज खान डिप्रेशन के भी शिकार हो गए। जी हाँ, जब एजाज खान से अपने मन की घुटन सहन नहीं हुई तो उन्होंने बिग बॉस मेकर से लेकर दावोलीना तक पर आरोप लगा दिए। दरअसल जब एजाज खान घर के अंदर थे तब उन्होंने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, मगर उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। उनकी जगह प्रॉक्सी के तौर पर दावोलीना ने बिग बॉस 14 के घर में दस्तक दी, लेकिन दावोलीना ने सब खेल खत्म कर दिया। अगर दावोलीना घर में आतंक ना मचाती तो शायद वह एजाज खान फिनाले तक पहुँच जाते। एजाज खान ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, मैं जिंदगी से हार गया हूँ और मेरी यात्रा यहीं पर खत्म हो गई। एजाज ने ये कहा कि मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया और मेकर्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। एजाज ने कहा कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें दोबारा बिग बॉस के घर में जाना चाहिए था,
तुम बिग बॉस के फिनाले पहुंचने लायक हो। इस पर एजाज ने कहा कि मैंने खुद मेकर से बात की थी इस बारे में और मेरा काम भी 6 फरवरी तक खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी शो में मेरी एंट्री नहीं करवाई गई। अब भले ही एजाज खान अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से टॉप 5 में जगह नहीं बना पाए, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक वो बिग बॉस के घर में थे उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा, उन्होंने लोगों का खूब एंटरटेन किया और शायद वो होते तो आज फिनाले के मंच पर होते। अपने गुस्से की वजह से तो वो जाने ही जाते थे और बिग बॉस के घर के अंदर भी उनका एक रूप नया देखने को मिला, मगर फैंस के लिए पवित्रा पुनिया संग एजाज का रोमांस देखना भी कम दिलचस्प नहीं था। फिलहाल बिग बॉस 14 के टॉप फाइनलिस्ट राखी सावंत, अली गोनी, राहुल वैद्या, रुबीना दिलाइक और निकिता मोली हैं। अब बस बिग बॉस 14 के विनर का ऐलान कुछ ही घंटों में होने वाला है। जब तक आप भी पसंदीदा विनर को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और कमेंट बॉक्स में बताइए रुबीना या राहुल कौन होगा विनर। बिग बॉस 14 के 106 दिन यानी करीब 3 महीने तो बीत चुके हैं। कुछ ही दिन में फिनाले की डेट सामने आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शो बंद हो गया। जी हाँ, अचानक से बिग बॉस के सेट पर हड़बड़ी मच गई जब पीपीई किट पहनी 10-12 लोगों की टीम घर के अंदर पहुंची। टीम ने घर वालों को बात बात नहीं बताई, पहले उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। ये सब देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। पहले ही बिग बॉस का किचन का सारा खाने पीने का सामान घर से बाहर किया। अब जब अचानक सारा खाने पीने का सामान बाहर कर दिया जाएगा, इतने लोग पीपीई किट में नजर आए तो लोगों की घबराहट तेज हो गई, पेट में उबाल आने लगे और एजाज खान को अकेले रूम में देखा तो पूरी अनहोनी की शंका हो गई। जी हाँ, एजाज खान को बिना बताए बेघर कर दिया गया। जिस तरह से एजाज खान काफी दिन से बीमार दिख रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि जरूर ये एक पूरी कहानी एजाज खान को लेकर है। एजाज खान बड़ी बीमारी के शिकार हुए होंगे, तभी इतनी हड़बड़ी मच गई और आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, एजाज खान को अचानक से आउट कर दिया गया, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि वो एक शूट की वजह से बाहर जाना चाहते थे और हो सकता है कि वो दोबारा से वापस भी आए। लेकिन उम्मीद नहीं लग रही कि एजाज खान की दोबारा एंट्री होगी, क्योंकि जिस तरह से मेकर्स टीम की विदाई दिखाई उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिग बॉस 14 के घर में एजाज खान का ये आखिरी दिन है। एजाज की विदाई की खबर सुनते ही घर वालों के रिएक्शन देखने लायक होते हैं। सब के सब खड़े हो जाते हैं मानो बड़ा झटका लगा हो। अर्शी तो बुरी तरह रोती दिखी, क्योंकि अर्शी एजाज की छोटी बहन है। वहीं सभी घर वाले एजाज की विदाई पर उदास दिखे। वैसे आप इस प्रोमो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या एजाज की विदाई सच में शूटिंग की वजह से हुई है या फिर कोई सीरियस बात है? क्योंकि एजाज 2-3 दिन की शूटिंग के लिए बाहर क्यों जाएंगे, जबकि पैसे तो उन्हें बिग बॉस से भी मिल रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।